लविंग विद ऑनेस्टी, गोल एंड प्लान, हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, यानी हमें इस काम को करने में मजा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए. फोकस करें, फोकस ऑन हाउ टू फिक्स व्हाट इज ब्रोक रादर देन टू फोकस ऑन व्हाई इट इज ब्रोकन, ताकि हम उसको फिक्स करने की तरफ जाएं. हम जितना ज्यादा वाई 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 पे रहते हैं, उस वक्त हम अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं. इसमें पता क्या है, मुझे ये हैरत होती है, जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे ने ग्लास तोड़ा, क्यों गिराया, ये क्यों क्यों पूछ रहे हैं, खत्म हो गया, देयर समथिंग इज बीन डन, यू गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. बिल्कुल, यू डोंट फिक्स थिंग्स जस्ट बाय थिंकिंग मोर देन देम. और एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जब आप बहुत ओवर एनालाइज करते हैं तो फिर आपकी सोच माउफ हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, यू नॉट एबल टू कम टू एनी सोल्यूशन. यू डोंट गेट बेटर जस्ट बाय गेटिंग स्मार्टर, यू हैव टू टेक डिसीजन एंड इफेक्टिव एक्शन एंड फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोग्राम. यानी जब आप स्मार्ट किस चीज से होते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने कुछ फैसला किया, अब उसके मुताबिक आपने कोई एक्शन लिया है, फिर फायदा होता है. नहीं तो आप जितने मर्जी, वही बात है कि बड़े बड़े जुमले बोल लें, बड़े बड़े आइडियाज दे दें, उसको एक्शन प्लान में न लाएं, तो यू आर नॉट स्मार्ट. यू विल नेवर परमानेंटली रिकनेक्ट विद योर स्पाउस थ्रू अ फ्यू आइसोलेटेड चेंजेस और बाय रिलाइंग ऑन सिंपल विल पावर. जब उनका भी मूड अच्छा है, आपका भी मूड अच्छा है, और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर ली और तीन दिन बड़े अच्छे गुजरे, हम जरा सैर सपाटे के लिए भी गए थे, इससे फायदा नहीं होगा. आपको थ्रू आउट वो काम करना होगा. दूसरा, ये विल पावर पे सिर्फ हम रिलाई नहीं कर सकते. विल पावर जो होती है एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको साथ स्किल पावर चाहिए. जो लोग कहते हैं मेरा दिल बहुत चाहता है, मुझसे होता नहीं, इसका मतलब है कि उनके अंदर स्किल नहीं, स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है. सो मेनी रेजोल्यूशंस, कोई भी रेजोल्यूशन आप देख लें, शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम कन्विंस्ड होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेडिंग का फेज आता है, फिर हम थकना शुरू होते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर हम सब काम करते हैं, ढह गए, खत्म हो गया सब कुछ. जी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में होता है, डाइटिंग के लिए आपने प्लान बनाया, किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया, तो हम इसी तरह से काम करते हैं. तो ये वाला जो शादी का प्रोजेक्ट होता है और उसमें रिन्यूअल जो होता है, इसमें भी ये स्टेज आता है, इससे बचना चाहिए. सो विल पावर इज स्किल पावर. यस, द प्रॉब्लम विद ट्राइंग टू यूज विल पावर टू अचीव एंड सस्टेन अ बिहेवियरल चेंज इज दैट इट इज फ्यूल्ड बाय इमोशन. विल पावर में सिर्फ आप इमोशनल होकर फैसला करते हैं, जोश आता है, मतलब जोश के साथ होश नहीं होता, जब होश आता है तो इंसान बैठ चुका होता है. नीड अ प्रोग्राम दैट डज नॉट डिपेंड मेरली ऑन विल पावर. आपको ऐसा काम करना होता है जिसमें सिर्फ विल पावर नहीं है, आपके पास कोई गोल्स है, आपके पास गोल है, टाइम मैनेजमेंट है, स्केड्यूल है, अकाउंटेबिलिटी है. इट प्रॉप्स अप एंड प्रोपेल्स यू फॉरवर्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स दैट यू डोंट फील लाइक परफॉर्मिंग. यानी विल पावर से हम वहां परफॉर्म करते हैं जहां हमारा दिल चाह रहा होता है, चाहे वो अच्छी सिचुएशन है या बुरी सिचुएशन है. लेकिन जब हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, वहां पे फिर विल पावर हमारी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, वहां पे हमें फिर स्किल पावर चाहिए. स्किल जब सामने आ जाता है तो फिर हम कहते हैं चलो फिर इसको ट्राई करते हैं. चेंजिंग अ क्रॉनिक प्रॉब्लम दैट हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज इज डन वन डे वन स्टेप एट अ टाइम. यानी जो क्रॉनिक मसला हो गया ना, शादी को 20 साल, 25 साल, 30 साल, और वो लगातार चलता आ रहा है, और उसमें जाहिर है कि बहुत से पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, उनको ठीक करने के लिए हर दिन एक छोटा सा काम करना है, बड़ा काम नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है जिससे वो तब्दीली आनी शुरू हो जाए. हाउ कैन अ प्रोग्राम फिक्स द रिजल्ट्स ऑफ द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ अ रिलेशनशिप? कैसे उसको हमें एक स्ट्रक्चर देना होगा. एक स्ट्रक्चर के मुताबिक जब हम काम करते हैं तो वो ठीक होता है. स्ट्रक्चर में आपने ये करना होता है कि मोटिवेशन को भी डालना होता है और आपने अपनी एबिलिटी को भी बढ़ाना होता है. यानी अगर आप मोटिवेशन लो होगी तब भी आप वो काम नहीं कर सकेंगे, अगर आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी तब भी आप काम नहीं कर सकेंगे. तीन लेवल पे आपने काम ये दोनों करने हैं, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल. पर्सनल लेवल पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि जो करने को दिल नहीं ना चाह रहा वो करना है. मसलन नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, अब नमाज पढ़नी है. सैलेड खाने को दिल नहीं चाह रहा, अब सैलेड खाना है. मियां से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, अभी बात करनी है. लेकिन उसको करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है. आपने अपने आप को उस वक्त अपना दिल मारना होता है, वहां विल पावर यूज करनी है. मोटिवेशन इज विल पावर बेसिकली. तो आपने अपने आप को बताना है, जैसे हम फजर की नमाज के लिए जब उठते हैं वो हम विल पावर पे उठते हैं, नहीं बेड से निकलने को दिल चाह रहा लेकिन उठते हैं. ठीक है, जहां पे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं वो हमारी विल पावर होती है. हम कहते हैं
मुझे गुस्सा नहीं, दिल चाह रहा है कि ये जुमला बोल दूं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है। जो इंसान सही जगह पे अपने आप को यस और नो कहना शुरू कर देता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, उसके अंदर एतमाद आ जाता है अपने पर कि ये मैं काम कर सकता हूं। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्पाउस के साथ हो, अगर आप आम हालात में करना शुरू कर दें, जब आप अपने आप को कहते हैं कि जब मैं बाकी जगहों पे अपने आप को सही जगह पे यस और नो बोल सकता हूं, छोटी छोटी बातों में जब हम अपने आप को यस नो सही जगह कहें, इससे हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। दूसरा काम जो हमें करना होता है, अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी होती है। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ना चाहते हुए आप वो काम करना शुरू कर देंगे। जैसे आप देखें, अभी हमने ये जो सेशंस लिए हैं, अभी तक ना चाहते हुए भी हमने अपने बिहेवियर्स को अपने स्पाउसेस के साथ बेहतर बनाना शुरू कर दिया। कितने लोगों की जो इन सेशन में फीडबैक यही आ रही है कि मैंने ये ठीक कर लिया, मैंने वो ठीक कर लिया, अभी हमने कुछ भी नहीं और किया, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, वी स्टार्टेड द थॉट प्रोसेस। जैसे इंसान एक नेगेटिव है, वो डेली पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में दो सफे पढ़ना शुरू कर दे, एक पेज पढ़ना शुरू कर दे, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, ये जो लोग वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं इंटेंसिव, या किसी जैसे एनजीओ के आप देखें, या कोई फेमिनिस्टिक मूवमेंट, आप फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, आप अल्टीमेटली आपकी वो थॉट हो जाएगी, आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है, आप उस लाइन पे सोचना शुरू कर देते हैं। सोशल मोटिवेशन आप कैसे लाते हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आती है, पीयर्स के थ्रू। और इसके लिए कहा यह जाता है, जो आप काम करना चाह रहे हैं ना, फिर आपको फ्रेंड वैसा ढूंढना है। मसलन आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, वो आपको हर बात के बाद, वो भी कहती है मैंने बड़ी कोशिश की, कहती है कोई फायदा नहीं, शी डजंट हैव अ सक्सेस स्टोरी, तो फिर आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, आप वो काम नहीं कर सकते। आप पढ़ना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं तुम कैसे पढ़ लेती हो, मैं तो किताब खोलती हूं तो मैं बोर हो जाती हूं। आप नोट करेंगे कुछ अरसे में आपकी भी बोरियत बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप वो नहीं कर पाएंगे काम। तो ऐसा फ्रेंड, ये नहीं कि अपने सोशल सर्कल को टोटल आप चेंज कर लें, लेकिन जिस चीज के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए ना, हमें वैसा इंसान ढूंढना है जो वो काम कर रहा है जो मैं करना चाहती हूं, वो अचीवमेंट ला रहा है, तो मैंने उसको उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अनसेट तरीके से वो जो मुझसे शेयरिंग करेगा उसका मुझ पर असर होगा। एडिक्शन में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो फिर ऐसे लड़कों के साथ हैंग आउट करें जो स्मोकिंग नहीं करते, तो फिर आपके अंदर वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो स्मोक, वो चाहे बात नहीं भी कर रहे, लेकिन उनका असर आपके ऊपर होगा कि अब आप भी स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, टेम्पटेशन भी अवॉइड हो जाती है। बिल्कुल। एबिलिटी कैसे आती है? मेंटोर्स से। सोशल एबिलिटी आती है ऐसे वर्कशॉप्स, ऐसे लोगों के साथ जो है वक्त गुजारना, जो आपको जो आप सीखना चाह रहे हैं उसमें मेंटोर करें। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के कर रहे हैं, सेशन दे रहे हैं, आप रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लाइफ में ऐसे मेंटोर जो आपको रिलेशनशिप्स के बारे में लगातार बताते रहे, समझाते रहे, नई नई चीजें सिखाते रहे, तो मेंटोरशिप से आपके अंदर एबिलिटी पैदा होती है। जैसे हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं तो इससे हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा हो रही है, सोशल एबिलिटी है ना, मिलके कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में होता है कि आप अपने लिए रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेज बिल्ड करें। एक्चुअली इस वक्त हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, मसलन हमने कपड़े, सीजन चेंज हुआ ना, हमने ऑटोमेटिकली कपड़े खरीद लेने हैं। अच्छा आज हमारा दिल चाह रहा है ना, तो हमने आज चलो जी डिजर्ट बना लो, आज आइसक्रीम खाने चले जाओ, आज बिरयानी खाने को, रिवॉर्ड खत्म हो गया, रिवॉर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, हम अपने आप को हर वक्त रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज की जहां बात आती है, वहां जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, मैं इंसान हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई, मतलब हम उसमें भी अपने आप को वो बिल्कुल विक्टिम बना लेते हैं। तो कहा यह जाता है कि लेट्स से आपने चाहे सीजन की चीज लेनी है, लेकिन आप जो भी अपने लिए टारगेट सेट करें कि मैंने अपने इस बिहेवियर को ठीक करना है। मसलन मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैंने पूरा हफ्ता गुस्सा नहीं करना। अब अगर मैंने पूरा हफ्ता गुस्सा नहीं किया तो देन आई विल ट्रीट माई सेल्फ। मैंने इस हफ्ते में अपनी एक फ्रेंड को मिलने जाना था, तो मैं ऐसे ही नहीं चली जाऊंगी, मैं पूरा हफ्ता पहले अपने एंगर को मैनेज करूंगी, और फिर मैं फलां दिन अपने आप को ट्रीट करूंगी बाय मीटिंग माय फ्रेंड। हम तो कहते तुम फारिग हो, मैं फारिग हूं, चलो चलते हैं। वी डोंट ट्रीट आवर सेल्फ द राइट वे। तो ये स्ट्रक्चर की मोटिवेशन होती है कि आप अपने आप को अपने लिए रिवॉर्ड सिस्टम उस तरह बिल्ड करते हैं, और अपने आप को कॉन्सिक्वेंसेज भी फिर ऐसे ही देते हैं। मसलन अब आपने गुस्सा कर लिया, अब आपकी फ्रेंड आपको फोन करती है कि चलो चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं, वो तो आप कहते नहीं इस हफ्ते नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक, और अपने लिए आप बताते हैं कि अब मुझे एक हफ्ता और ये काम करना है।
और जब मैं पूरा कर लूंगी तो फिर मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी। आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक का आपने खरीदनी है, इवन अपना फोन चेंज करना है, इवन अपने घर में कोई तब्दीली लानी है, तो आप अपने आप को उस रिवॉर्ड के साथ मतलब उसको एज अ रिवॉर्ड लेते हैं। उससे फिर क्या हो जाता है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि मैंने ये काम करना है, आई हैव टू मेक इट हैपन। एबिलिटी कैसे आती है, जब आप कुछ टूल्स जो है उनको सीखते हैं, यानी कि काम को करने के तरीके आपने अपने पास रखे। मसलन मुख्तलिफ एप्स भी मिल जाती हैं अब तो, जो आपको जैसे एंगर के लिए ऐप है, या कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए कोई क्लासेस हैं, कोई टूल्स हैं कि ये ऐसे सीखना चाहिए, असर्टिवनेस कैसे होनी चाहिए, तो आप उन टूल्स को इख्तियार करते हैं, सीखते हैं, वो तरीके सीखते हैं, स्ट्रक्चर में आपके पास होती हैं। जैसे आप देखें जो लोग डाइटिंग करते हैं वो अगर ऐप ही कोई डाल लेते हैं, और वो मुझे याद है एक जमाने में मैंने एक ऐप डाली थी जिसमें हमें सिर्फ पिक्चर खींच के उसमें करनी होती थी, उसी से खाना कम होना शुरू हो गया, उसी से खाना स्ट्रीमलाइन हो गया। तो आप अपने उन टूल्स को यूज करते हैं। तो ये सिक्स चेंज लाने के पैरामीटर्स होते हैं, इनमें से आप बार बार असेस कर सकते हैं कि इस वक्त मुझे पर्सनल मोटिवेशन चाहिए, एबिलिटी, सोशल मेरा कैसा चल रहा है, स्ट्रक्चरल उसमें कैसी चेंजेस आ रही हैं और उनको आप कैसे यूज करें। सो स्पीकिंग ऑफ स्टेप्स, यू हैव टेकन ओनली द फर्स्ट स्टेप्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एट टैपिंग इन टू योर कोर ओवर एंड ओवर अंटिल इट बिकम्स सेकेंड नेचर। यानी आपका टारगेट ये है कि तब तक काम करते चले जाना है जब तक वो आदत बन जाए, क्योंकि वो जो बैड स्पिरिट की आदतें हैं उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। एक्शंस नॉट इंटेंशंस आर व्हाट विल रेस्क्यू योर रिलेशनशिप। मेरी नीयत साफ है, मैंने मदद जान के लिए ये नहीं किया, बस मुझे भी देखे ना फिर ये मेरे साथ हो जाता है। तो नीयत के ऊपर नहीं रहना, सिर्फ एक्शन। और आपको पता ना वो जो हदीस है इन्ना मला मालू बिन नियाद, उसका मतलब ही है कि खाली नीयत से फायदा नहीं है जब तक एक्शन आपका उसके मुताबिक, दोनों साथ साथ है। The daily activities you are about to do are straightforward and most important are designed to make you take action. यानी अब मैं आपको कुछ daily activities बताऊंगी जो basically, तो वो उसमें ये कहते हैं कि मियां बीवी आमने सामने बैठे, अपने body language को relax रखें, eye contact करें और फिर आपस में बातचीत करें। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है हमारे cultures में ये बहुत difficult काम है। इसके लिए या तो वही बात है कि कोई दरमियान में हो, आप में कोई मैरिज काउंसलर है वो करवाए, या आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से बातचीत में लपेट कर अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ करना शुरू कर दें। एवरी डे रिक्वायर्स इंपॉर्टेंट न्यू बिहेवियर। हर दिन एक नया काम होना चाहिए और माइट एट टाइम्स फील अनकंफर्टेबल, डिजाइन टू स्ट्रेच यू एंड टू रिक्वायर यू टू बी वल्नरेबल। कुछ जगहों पर हम होंगे वल्नरेबल, हमें मुश्किल लग रहा होगा अपने बारे में ऐसी बात करना, हमें कुछ रिस्पॉन्सेज मिलेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, उसके लिए तैयार रहना। इट हैज नॉट बीन डिजाइंड टू बी कंफर्टेबल एंड ईजी। आप देखिए जब भी हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं उससे कभी रिजल्ट नहीं मिलते, जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो वहां पर रिजल्ट अच्छे होते हैं। इफ समथिंग इज ईजी देन दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। यानी जो काम आप आसानी से कर रहे हैं तो इसका मतलब है तो वो तो आपको आता है करना, अब आपने उससे बाहर निकल के कुछ और काम करना है। You must have to do it day in, day out, trusting that the results will come. ये आपको मतलब लगातार करते चले जाना है। जैसे आप देखें कि ये जो downhill skiers होते हैं, जब ये start करते हैं तो शुरू में slow होता है और उसके बाद कितनी तेजी से ये आगे जाते हैं। तो इसी तरह से हमने शुरू में slow start लेना है और एक दफा वो momentum build हो जाता है फिर मुश्किल नहीं है। तो relationship will pick up same momentum. Start the ball rolling. Yes. So old habits die hard. Yeah. Misunderstanding that caused your relationship to go into distress was an active process on the part of you and your spouse, and now you must take equally strong action to head the relationship back the right way. मसला ये है कि बहुत सारी जब misunderstandings आ जाती हैं तो उसने relationship को खराब किया होता है, trust के element को खराब किया होता है, जिस बहुत ज्यादा stress और distress उसमें आया होता है। तो अब हम जब कुछ एक्शंस ऐसे लेंगे जिसमें से हम ये मिसट्रस्ट निकालेंगे, वो सारे बैड स्पिरिट वाली बातें निकालेंगे, तो फिर वो मसला बेहतर होता है। यू मस्ट कॉन्शियसली कमिट योरसेल्फ टू अवॉइड लेटिंग दीज स्केड्यूल्ड इंटरेक्शंस डिटीरिएट इनटू कंबैटिवनेस। कि ये जो हमारा तरीका है ना कि वो महाज खड़ा हो जाता है हमारा और हम फौरन वो उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने मारने के लिए। तो हमें अपने आप को डेली कमिटमेंट ये देनी होगी कि मैंने ये नहीं करना। Guard against coming across to your spouse as the know-it-all expert. कि मुझे जो आता है ना वो आपको नहीं आता। होता तो यही
ये हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हम समझते हैं कि हमें आता है, उनको अपने हिसाब से बहुत सी चीजें आती होती हैं। हाँ मतलब हो सकता है कोई इंसान इतना स्किलफुल ना हो, लेकिन स्टिल हम उनके साथ अगर इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो वो बात नहीं बनती। गार्ड अगेंस्ट योर सेल्फ अप एज एन अथॉरिटी फिगर और यू विल इलिसिट रिबेलियन। यानी जब हम ऊपर से आते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि जो मैं कह रही हूं दुरुस्त है, मुश्किल सिचुएशन में जो भी, तो फिर वही होता है कि वो कहते हैं तुमने सुननी तो है नहीं, तुमने माननी तो है नहीं, तो फायदा क्या तुमसे बात करने का। व्हाट यू वांट हेयर इज कॉपरेशन। कॉपरेशन हमें चाहिए, उसके लिए फिर हमें बहुत से काम करने होंगे। इसके लिए कहते हैं कि अपने लिए असाइनमेंट्स रखें मॉर्निंग इवनिंग की एंड एक्टिवली अफर्मेटिवली डू ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी कुछ काम सुबह के करने वाले हैं, कुछ काम शाम के करने वाले हैं। मॉर्निंग असाइनमेंट में क्या है, अकम्प्लिश वन ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट्स दैट यू प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन योर पार्टनर प्रोफाइल दैट विल मीट वन ऑफ द नीड्स ऑफ योर स्पाउस। कुछ भी आपने ऐसा करना है जिससे आपके पार्टनर की कोई नीड जो है वो मीट होती हो। ये डेली का काम है, टेंशन के बगैर, यानी कि वो जो टेंशन दरमियान में स्पाउसेज में बिल्ट होती है उसको खत्म करना है। इंट्रोड्यूस समथिंग पॉजिटिव इन टू योर रिलेशनशिप। Whatever you choose, it must be something that is observable and discernible by your spouse. वो जिसे स्मार्ट गोल्स कहते हैं। ये ऊपर और नीचे वाला तो फिर भी गोल है, रिलीफ टेंशन क्या है, it's just an abstract thing. यानी कि जो हम अपने बैड स्पिरिट की वजह से टेंशन क्रिएट करते रहते हैं ना, हमारा मूड खराब, वो बात नहीं कर रहे, उसमें मेरे ख्याल वो मेरे मुझे जैसे अंडरस्टैंड हुआ वो ये है कि टेक एवरीथिंग एज अ चैलेंज, कि ठीक है कि क्यों कह रहे हो। ये भी सो लिटिल थिंग्स एड अप। Your relationship doesn't need some dramatic, concentrated event as much as it needs a consistent infusion of positive energy and action. तो हमें ये बात याद रखनी है कि थोड़ा थोड़ा काम जो है वो हमने बढ़ाते चले जाना है। Impatient नहीं होना, simple acts of kindness and attention. यानी छोटे छोटे काम करने हैं। मेरे जहन में तो बार बार वही आता है कि वो मवद्दा रहमा वाली जो बात है ना, वो उसमें बढ़ाते चले जाए। लेकिन ये मॉर्निंग असाइनमेंट तो स्पेसिफिक होनी चाहिए थी, ये बहुत जनरल है। ये तो मैं आपको भी गाइडलाइन दे रही हूँ, भी आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा, और इसमें आपने किन किन चीजों को बार बार छेड़ते रहना है, कहीं पे अपनी कोर कॉन्शियसनेस जिस पे हमने बात की थी अपने आप को पहचानने की, कहीं पे मिथ्स, कहीं पे बैड स्पिरिट, कहीं पे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप वैल्यूज, इन सब बातों को माइंड में रखना है। यानी इनको बार बार दोहराते रहना है कि ये मैंने काम करने हैं। फिर इवनिंग असाइनमेंट, इवनिंग एक्टिविटी है। इवनिंग एक्टिविटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी डायरेक्टली इंटरेक्टिव। इसमें तो वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट बैठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। चूज अ टाइम व्हेन कंपीटिंग और इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज आर एट अ मिनिमम। जैसे होता है ना कि खाना खा लिया, स्क्रीन्स ऑफ हो गई, बच्चे बेड में चले गए, और फिर आप बैठकर कुछ थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट गपशप लगा रहे हैं, थोड़ा सा ना वो विंडो क्रिएट करनी होती है। नीड 30 अनइंटरप्टेड मिनट्स। आइडियली वो कहते हैं कि कोई ऐसा टाइम जरूर होना चाहिए जिसमें आप मसलन वही बात है, चाहे शाम को चाय पी रहे हैं इकट्ठे, चाहे डिनर के टाइम पे आप इकट्ठे हैं, जिसमें आप आपस में बातचीत ही कर रहे हैं। लेकिन आपका हस्बैंड आता ही डिनर के बाद है, आपका हस्बैंड आता भी डिनर के बाद है, बच्चे आपके बाद सोते हैं, तो फिर इंसान कहां से टाइम निकाले। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, और अगर आपको लगता है कि हस्बैंड लेट आते हैं या उनके ऊपर कुछ एक्टिविटीज का लोड जाता है, आप इसको 10 मिनट्स रख लें, आप इसको अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद रख लें, आप इसको ओवर द वीकेंड रख लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को इतना अच्छा बनाना शुरू करें कि आपका रिलेशनशिप बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो फिर एक्सपैंड होना शुरू हो जाए। यानी कोई ना कोई टाइम इन्वेस्टमेंट तो हमें निकालनी होती है ना उसमें से, जब आप वो निकालते चले जाते हैं तो फिर जो मामलात है वो दुरुस्त होते हैं। जैसे मैं देखो मतलब हम में से हर शख्स बिजी होता है ना अपने कामों में, और अगर हमें कोई ऐसा शख्स जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, एंजॉय नहीं करते, वो कहता है कि चलो मुलाकात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम बिजी हैं। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जिसके साथ हमें लगता है हम एनर्जाइज होते हैं, तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह एडजस्ट करेंगे, उसके लिए टाइम निकाल लें। तो ये वो वाली बात है कि अब जब उसको एक अच्छा वक्त बनाएंगे तो फिर स्पाउसेस भी एफर्ट करेंगे। आई कॉन्टेक्ट भी जरूर होना चाहिए, जजमेंट्स नहीं, क्वेश्चंस नहीं, कंसर्न्स नहीं, बस आपस में एक दूसरे से बात करना और थोड़ा सा अपने लिए क्वालिटी टाइम बढ़ाना। और उसमें ये जुमला जरूर दो चार दफा बोल देना चाहिए किसी न किसी बात पे। वैसे तो उन्होंने आगे क्वेश्चन दिए और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन एक दूसरे से पूछें, और उसके जवाब में कोई
इधर उधर की बात नहीं करनी, ये बोलना है थैंक यू फॉर केयरिंग इनफ टू शेयर एंड आई प्रॉमिस टू वे इट केयरफुली। मसलन अगर हम छोटी मोटी बात पे ही कह दिया करें कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात जो होती है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। हमारे साथ होता ये कि जब हमें कोई क्वालिटी टाइम देता है तो हम कोई ना कोई वो सिनिकल या जहरीले जुमले जो हैं वो बोल देते हैं, ये शिकायती रवैये, या आप कोई अपनी प्रॉब्लम जो है वो डंप करना शुरू कर देते हैं, तो दैट डजंट स्टे अ प्लेजेंट टाइम। अब देखिए ना, हम अपने जब फ्रेंड से मिलते हैं तो हम उनके ऊपर डंपिंग नहीं करते, हम उनसे बातचीत करते हैं।